गाइज वेलकम ऑन एडुटेक्नोमित्रा चैनल। दोस्तों आपके अपने चैनल एडुटेक्नोमित्रा पर आपका स्वागत है। हमारे तीन चैनल हैं ये एमजे मित्रा, एडुटेक्नोमित्रा और एडुला मित्रा। इन दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। हम पहले 12 और 12 24 क्वेश्चन कर चुके हैं यूपीएससी एग्जाम 2019 के और आज ये तीसरा सेशन है। आइए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन सेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बड़े सरल तरीके से समझाए गए हैं। आप पहले वाली दो वीडियो देख लेना, इसमें 1 से 12 तक है और उसके बाद 20 से 31 तक क्वेश्चन करवा दिए हैं और आज तीसरा सेशन है ये। आज हम बेहतरीन 13 क्वेश्चन लेके आए हैं इस सेशन में। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 40 था ये 2019 के एग्जाम में। इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर ऑफ द इंग्लिश के लेटर है जिसका अल्टरनेटिव लेटर बी इंक्लूड यानी बी से स्टार्ट करके इज रिटन इन लोअर केस, छोटे उसमें लिखे जाते हैं स्मॉल लेटर्स में, एंड द रिमेनिंग लेटर्स आर कैपिटलाइज, और जो रिमेनिंग लेटर है उनको कैपिटल लेटर में लिखा है, देन हाउ इज ए फर्स्ट मंथ ऑफ द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर रिटन। सेकंड हाफ क्या होता है, जुलाई से शुरू होता है सेकंड हाफ ऑफ द ईयर। अब ये ऑप्शन दे रखी है हमारे को 4। ये कह रहे बी से स्टार्ट करके एक अक्षर छोटा अगला बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा, इस तरह की सीरीज है, तो जुलाई को कैसे लिखा जाएगा। अंग्रेजी के जो अल्फाबेट होते हैं यो के अक्षर 11वां अक्षर होता है, तो ये जे से शुरू होता है तो जे जो है 14वां अक्षर हुआ और स्टार्टिंग किससे है, बी से है। बी क्या है, लोअर केस में है, तो जे जो है लोअर केस में होगा और नेक्स्ट अपर में, फिर लोअर में, फिर अपर में, तो ये डी जो है इस तरह पैटर्न में है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। सुनीता कट से सीट ऑफ पेपर इंटू 3 पीसेस, कोई ऐसी सीट दे दी सुनीता को, ये इसको जो है ना 3 टुकड़ों में काट दिया, तो कह रहा है अभी लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द 3 सिंगल डिजिट, जो 3 सिंगल डिजिट है ओड प्राइम नंबर्स की उसके एवरेज के बराबर है, यानी ये पहला और ये दूसरा और ये तीसरा। द थर्ड पीस इज एज लॉन्ग एज द अदर 2 पीसेस टुगेदर, द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल शीट ऑफ पेपर, ओरिजिनल शीट की लेंथ बतानी है, ये इधर नीचे बनेगा साइड में नहीं बनेगा, ये 3 है, इसको काट दो, तो ये जो ओरिजिनल शीट है पेपर की ये कितनी लंबी है आपने ये बतानी है, इसकी लंबाई बतानी, ओड प्राइम नंबर, एक को जो है ना ओड में नहीं इवन में लिया गया है, इसलिए ओड प्राइम नंबर हो गए 3, 5, 7। पहला पीस जो है इनकी एवरेज के बराबर है, तो 5 और 3, 8 और 7, 15, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 यूनिट हो गया। अब अगला कह रहा है कि पहले की लेंथ प्लस में 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द थर्ड पीस, यानी इसको अगर एक्स से मान लें थर्ड को, थर्ड पीस की लेंथ को, थर्ड पीस से लेंथ मान लो एक्स मान ली, तो जो सेकंड वाला हुआ ये हो गया 5 + x/3, ये 1/3 है तीसरे का, और ये फिर कह रहा है जो थर्ड पीस है वो इन दोनों के सम के बराबर है, थर्ड पीस की लेंथ जो है 5 + 5 + x/3 बराबर है x की। अब इससे बिल्कुल क्लियर कट हो रहा है, इसको अगर 3 टुकड़ों में बांटे हम, एक टुकड़ा तो ये हो गया, दूसरा टुकड़ा ये हो गया और तीसरा टुकड़ा ये हो गया, यानी जो इसकी लेंथ आएगी सेकंड की लेंथ हो जाएगी 5 + 5 बराबर है 10 के बराबर, तो इस प्रकार जो थर्ड है ये 1/3 था 5 इसका, तो 3x हो गया, ये तो ये हो गया 5 × 3 बराबर है 15, जबकि ये कह रहा है कि पहले वाले और सेकंड वाले के टोटल के बराबर है, यानी 5 × 10 से ये उसके बराबर है। अब कह रहे ओरिजिनल सीट, जो ये ओरिजिनल सीट थी ऐसे आपकी, ये जो पहला पीस था ये तो
थ्री ओड नंबर्स का एवरेज था, ये एवरेज आने के बाद ये आ गया 5, और दूसरा था फर्स्ट प्लस में 1/3 ऑफ द थर्ड, तो इस हिसाब से ये 10 आया, और उसके बाद जो थर्ड था ये इन दोनों के टोटल के बराबर था, ये 15 हो गया। जो ओरिजिनल सीट की लेंथ हुई, ओरिजिनल सीट लेंथ, तो तीनों के बराबर हुई, 5 × 10 × 15 बराबर है 30 यूनिट। 30 यूनिट का है डी में, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये 42 नंबर, इसमें दे रहा है इन द सीक्वेंस 1573574357 हाउ मेनी फाइव्स बताने हैं, हाउ मेनी फाइव्स आर देयर व्हिच आर नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 3, यानी ऐसे कौन से फाइव है जिनके आगे 3 नहीं है, बट आर इमीडिएटली फॉलोड बाय 7, बस बट उसके बाद जो है ना 5 के बाद 7 है लेकिन पहले 3 नहीं है, ऐसे कितने 5 है। तो इस सीरीज में आप देख लो 5 ये है, ये इसके आगे 3 है नहीं लेकिन पीछे जो है ना 7 है, तो ये पेयर तो हो गया। अब इसके आगे 3 आ गया ये नहीं होएगा, और उसके आगे 5 के आगे 3 आ गया तो ये नहीं होएगा, खाली एक पेयर ऐसा, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 43 नंबर क्वेश्चन था पेपर में, ए ज्वाइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स ए बी सी डी ई एफ एंड जी विद 3 फीमेल, 3 फीमेल है उसमें, जी इज द ए विडो, जी जो है विधवा है, एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ डी फादर, डी के फादर की सिस्टर इन लॉ है जो एफ है, बी एंड डी आर सिबलिंग्स, बी और डी जो है ना सिबलिंग है, एंड ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए जो है बी की डॉटर है, सी इज द कजन ऑफ बी, जो है बी का कजन है, हु इज ई, ई को बताना ई कौन है। मैंने ये फिगर पहले ही बना ली है, इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि डी का फादर एफ है, फादर एफ है, जो मैंने मेल दिखाए हो रेक्टेंगल से दिखाए और फीमेल सर्कल से दिखाए, इन फीमेल थी और बाकी मेल है, और ये जो डबल लाइन है ये उस हस्बैंड को शो कर रही है, हस्बैंड को, और अब ये बी और डी जो है सिबलिंग है आपस में, और ए जो है ना इसका लड़की है, ये फीमेल है, ये इसकी डॉटर है, अब ये जी और सी का इनके साथ कोई रिलेशन नहीं हो रहा, तो यहाँ पर एक फिगर गायब है, ये जो जी है ये इसकी सिस्टर इन लॉ है, इसका मतलब यहाँ पर एक ब्रदर था एफ वो डाइड हो गया, तो ये सिस्टर इन लॉ बनी, तो इसके साथ रिलेशन, ये पत्नी है, ये इसकी देवरानी या जेठानी होगी, जो कुछ भी है, बड़ी होगी तो जेठानी होगी, छोटी है तो देवरानी होगी, इनका रिलेशन बन गया आपस में। अब यहाँ क्या कह रहा है, ये एफ की वाइफ है, तो ई तो एफ की वाइफ तो है ही है, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, ग्रैंड मदर ऑफ ए, अब बी की बेटी है ये, और ये बी और डी इनके दोनों के, ई मदर है एफ फादर है, उसकी बेटी है तो ग्रैंड मदर भी होगी इसकी ए की, ये भी ठीक है, और ये जो है इनके हस्बैंड के ब्रदर है, उनकी पत्नी है, तो इसलिए इनकी आंट भी होगी सी की, तो इसमें ऑप्शन ढूंढनी है अपने, डी ऑप्शन आ रही है क्योंकि तीनों सही आ रहे हैं, 1, 2 एंड 3, डी इज द राइट ऑप्शन। ये फिगर मैंने पहले बना ली थी टाइम बचाने के लिए। तो ये अगला क्वेश्चन है 44, इस फेस ऑफ ए क्यूब कैन बी पेंटेड इन ब्लैक और व्हाइट कलर, यानी या तो ब्लैक से करना या व्हाइट से, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द क्यूब बी पेंटेड, ये निकलेगा इस क्वेश्चन से, ये इस फॉर्मूले से निकलेगा, अगर कोई एम ऑब्जेक्ट हमने डिवाइड करना है अमंग आर पीपल सो दैट एट लीस्ट 1 गेट ईच, फॉर्मूला होएगा m-1 cv-1, यहाँ पर m जो फेस दिए हुए हैं 6 और v दिया हुआ है 2, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट दो तरह के कलर दिए हुए हैं, तो v 2 हो गया, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं अभी m-1 t 2-1, ये हो गया 5 t 1, तो इसको निकाल लो, अब निकाल लेंगे तो ये हो गया 5 × 5 − 1 × 1, तो ये 5 × 4 × 4 × 1 1 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, और 4 × 4 कट गए तो ये आगे 5, कलर 2 है, 5 ब्लैक के हो गए 5 और व्हाइट के हो गए 5, तो हम 10 वेज से इस क्यूब को पेंट कर सकते दो कलर, इसलिए हमारा राइट आंसर बी है 10 वेज। क्वेश्चन नंबर 45, इसको भी हम उसी फॉर्मूले से निकालेंगे, इसे तो ये दे रहा ना कि हाउ मेनी ट्रिपल ट्रिपलेट्स एक्स वाई जेड सेटिस्फाइड द इक्वेशन x+y+z = 6 वेयर x, y and z आर नेचुरल नंबर, आपके नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, तो अब यहाँ हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये टोटल दिया हुआ है 6 और ये x, y, z 3 दिए हुए हैं, तो हम उसी फार्मूले से इसको कर सकते हैं, x-1 t और t-1 ये हो जाएगा 5 t 3 2 बराबर है 5
5 × 4 × 3 = 5 − 2 × 2 तो ये 3 हो जाएगा, बराबर है 5 × 4 × 3 फोन में 3 × 2 3 ये 3 कट गए और 2 का होता है 2 × 1 ये 2 से कट गया, बराबर है 10 आंसर आ गया जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है। एडू टेक्नोमित्र चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना कि ज्यादा से ज्यादा दो फायदा उठा सके। एडू टेक्नोमित्र ज्ञानम बलम। ये अगला क्वेश्चन है 46, इसमें ये कह रहा है इसका मतलब है डिवाइड। डिवाइड का सिंबल होता है ए एंड ए का मतलब है मल्टीप्लाई यानी क्रॉस और इसका मतलब है माइनस। देन वैल्यू ऑफ ये निकालनी हमने, ये एस की जगह क्या आ गया, एस शो कर रहा माइनस माइनस 5 एट दी रेट है मल्टीप्लाई 1 और डिवीजन 5। पहले 5 की होती है, एडवांस का तरीका होता हमारा, इसमें पहले डिवीजन ये बन गया 10 है, एस की जगह क्या है माइनस है माइनस है, उसके बाद है 5 है और एट दी रेट ऑफ है मल्टीप्लाई 1 डिवीजन 5। अब एडवांस का तरीका होता उसमें पहले इन सालों में से भाग का अमल होगा, 10 − 5 × 1/5 हो जाएगा, 5 से 5 कट गया, एक आ गया 1 × 1 = 1, 10 में से 1 = 9, 9 इज द राइट आंसर जो कि डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ये हमारे को एक नंबर दिया हुआ है और इसमें लास्ट डिजिट है बी और अगर इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 0 रिमाइंडर बचता है, यानी ये पूरा भाग होता है। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ बी आर पॉसिबल, तो हमने ये बताना है बी की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। अब ये 4, 2, 5, 2, 8, 4 ए और बी, नंबर 3 से कब डिविजिबल होगा, नंबर तब 3 से डिविजिबल होगा जब डिजिट सम 0, 3, 6 और 9 आए। तो हम यहाँ पहले इनको देखते हैं, इसका सम ये 6 हो गया, तो ये 7 और 2 = 9 हो गया और इधर ये 9 हो गया और ये 6 है, तो b की वैल्यू अगर 0, 3, 6, 9 होगी तभी जो है ये पूरा डिविजिबल होगा और रिमाइंडर रहेगा 0। इसलिए कितनी डिजिट है, 4 अंक ऐसे हैं जो ये पॉसिबिलिटी बनाते हैं, तो b के 4 मान संभव हैं 0, 3, 6 और 9 इज द राइट ऑप्शन। हमारे क्वेश्चन आ गया अगला, इसमें क्या कह रहा है, डायरेक्शन फॉर द फॉलोइंग 3 आइटम, 3 आइटम यानी 3 क्वेश्चन आएंगे लगातार, उनके लिए डायरेक्शन है, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द 3 आइटम्स दैट फॉलो, इसको अच्छी तरह पढ़ो और नीचे 3 क्वेश्चन आएंगे उनका आंसर देना। 6 स्टूडेंट्स ए बी सी डी एंड एफ अपीयर्ड इन सेवरल टेस्ट, काफी टेस्ट में ए बी सी डी और एफ अपीयर हुए हैं, इधर सी और एफ स्कोर द हाईएस्ट, या तो सी लेता हाईएस्ट या फिर एफ लेता है हाईएस्ट, एंड एवर सी स्कोर्स द हाईएस्ट, जब सी हाईएस्ट लेगा तो ई जो है सबसे कम लेता है और एफ हाईएस्ट लेता है तो बी सबसे कम लेता है, कंडीशन दे रखी है। इन ऑल द टेस्ट दे गॉट डिफरेंट मार्क्स, टेस्टों में अलग अलग मार्क लेते हैं, डी स्कोर हायर देन ई, डी ए से ज्यादा लेता है, बट दे आर क्लोज कंपिटिटर, लेकिन वो लगभग बराबर से उनके क्लोज कंपिटिटर हैं, ए स्कोर हायर देन बी, ए के नंबर बी से ज्यादा है और सी स्कोर हायर देन ए। ये हमने क्वेश्चन नंबर 48 सॉल्व करना है। इफ एफ स्टैंड सेकंड इन द रैंकिंग, अगर एफ सेकंड रैंकिंग आती है देन द पोजीशन ऑफ बी इज, बी की क्या पोजीशन है अपने ये बताना है। तो हम यहाँ ये डायग्राम बनाते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है या तो सी ज्यादा लेता या एफ ज्यादा लेता, ये कह रहा है अगर सी ई ज्यादा लेगा तो जो ई है ई सबसे कम लेगा, 2, 3, 4, 5 ई सबसे कम लेगा अगर सी ज्यादा लेता, तो ये कह रहा है अगर एफ सेकंड नंबर पर है, एफ को हमने सेकंड पे कर दिया, ई स्कोर्स हायर देन ए, ए स्कोर्स हायर देन बी, यानी यहाँ डी आया और यहाँ ए आया और ए बी से ज्यादा ले रहा है और 1, 2, 3, 4, 5 और ये फालतू, ये पोजीशन बन गई। अब इसमें ये क्या कह रहा है, एफ रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है तो बी का स्थान है 1, 2, 3, 4, 5, तो बी का स्थान जो है ना पांचवा है, पांचवे नंबर पे ही, पांचवा किसमें है, बी में, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा 49 क्वेश्चन आ गया, पेपर में 49 था। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, बी स्कोर्स द लीएस्ट देन रैंक ऑफ सी विल बी, सी की रैंक बतानी है, तो बी लीएस्ट ले रहा है 1, 2, 4, 5 और 6, बी अगर लीएस्ट ले रहा है तो एफ सबसे ज्यादा ले रहा है और बी से ज्यादा ले रहा है ए, ए से ज्यादा ले रहा है डी और डी से ज्यादा ले रहा है सी और ये ई, ये तो हो गया केस 1, ऐसे भी पॉसिबल है और केस 2 भी पॉसिबल है। केस 2 में क्या हो जाएगा, बी से पहले ई आ जाएगा, बाकी सीक्वेंस ऐसे ही रहेगी, एफ ए डी ए
और यहाँ ई आके यहाँ बी आएगी, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो अब इसमें क्या है, या तो ये थर्ड पे होगा या ये सेकंड पे होगा, दो केस बन रहे हैं। इसमें ऑप्शन है डी, ऑप्शन है सेकंड और थर्ड, इसलिए डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है इफ ई इज रैंक थर्ड, अगर ई की रैंक तीसरी है देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इनमें से कौन सा। इस केस में ये कह रहा है ई थर्ड पोजिशन पे, ई थर्ड पोजिशन पे है तो एफ हाइएस्ट स्कोर करेगा, एफ हाइएस्ट स्कोर करेगा तो बी लिएस्ट करेगा, और बी से ज्यादा ए ले रहा है और इससे ज्यादा डी ले रहा है, और फिर बाकी रहेगी सी, तो सी यहाँ आ जाएगी। तो इस हिसाब से इसकी पोजीशन पूछ रहा है ये, डी इज रैंक थर्ड, इच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ई देखो पहली ऑप्शन देखते हैं, ई गेट्स मोर मार्क्स देन सी, ये गलत है। दूसरी ऑप्शन है सी गेट्स मोर मार्क्स देन ई, ई जो है यहाँ पर है और ई यहाँ पर है, तो ये मोर मार्क्स गेट कर रहा है, इसलिए बी इज द राइट ऑप्शन। आगे ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राइज, मैं उम्मीद करता हूँ कि सेशन बहुत ही अच्छा जा रहा है। एडुटेक्नोमित्रा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों, ताकि ज्यादा से ज्यादा लड़के फायदा उठा लें। अब आ रहा है ये डायरेक्शंस फॉर द फॉलोइंग टू आइटम, यानी दो क्वेश्चन आएंगे, इसलिए उसके लिए निर्देश है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एस वन एंड एस टू एंड आंसर द टू आइटम्स क्लोज, यानी दो स्टेटमेंट दी हुई है, इनको पढ़ो और फिर आगे क्वेश्चनों के आंसर दो। एस वन, ट्वाइस द वेट ऑफ सोन इज लेस देन द वेट ऑफ द मोहन और दैट ऑफ रोशन। स्टेटमेंट टू, ट्वाइस द वेट ऑफ द रोशन इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द मोहन और दैट ऑफ सोहन, ये निकालना है। अब हमने विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये बताना। पहली स्टेटमेंट में ये कह रहा है ट्वाइस द वेट ऑफ द सोहन इज लेस देन, यानी टू एस लेस देन मोहन एम और आर और रोशन और एस लेस देन एम बाई टू और आर बाई टू। दूसरी स्टेटमेंट में कह रहा है ट्वाइस द वेट ऑफ रोशन इज, ये है रोहन आर ओ एच ए एन रोहन, और इधर कह रहा है ट्वाइस द वेट ऑफ रोशन, ट्वाइस द वेट ऑफ रोहन टू आर इज ग्रेटर देन वेट ऑफ मोहन और दैट ऑफ सोहन एम और एस। इसमें एस और आर में कोई रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो रही, आर बराबर है, आर बड़ा है एम बाई टू और एस बाई टू, ये दोनों इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। एक इक्वेशन तो ये होगी और एक इक्वेशन ये होगी, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप, There is no relationship, relationship between S and R, hence cannot be determined, hence not be determined, इसलिए option D is a right option. क्वेश्चन नंबर 52, ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालना, हम आपका डाउट दूर करें। और इसकी स्टेटमेंटों के हिसाब से R बड़ा है S से एंड M बड़ा है 2S से, इसका मतलब S का वेट R से भी कम है और ये तो 2S M से भी कम है, 2S भी M से कम है, इसलिए इससे ये पता लगता है वेट ऑफ सोन इज लीस्ट, इन सब में जो है ना सोन का वेट हाईएस्ट है, इसलिए बी इज द राइट ऑप्शन। गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन समझ में आ गया होगा, और हमारी ये तीन चैनल हैं एडू टेक्नो मित्रा, एमजे मित्रा एंड एडूला मित्रा, तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, एक कमेंट जरूर डालना करो आपको वीडियो कैसी लगी, इससे हमारी फैकल्टी का हौसला अफजाई होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।